एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक करेंट ड्रॉप्स का चैप्टर 4 व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें है क्या, जैसे व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब भी होता है कि क्या हो रहा है। मतलब देखो, जैसे कि आपको कोई पिक्चर दी है, अब आपको इस पिक्चर में बताना है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, बस यही है इस चैप्टर में। तो पहले हम देखते हैं और फिर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। देखो पहले तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक कैरम बोर्ड रखा है ना। अब इस कैरम बोर्ड को चार बच्चे खेल रहे हैं, मतलब देखो ये खेल रहे हैं और ये जो है ये देख रहे हैं। ये जो डॉगी है ये क्या कर रहा है, बर्ड को पकड़ रहे हैं। और ये जो किटन है दोनों, ये क्या कर रही है, एक देखो बॉल हमको दूर से दिख रही है बट ये एक थ्रेड है ना, धागा है जो इसके मुंह में है। तो इस तरीके से हमने पिक्चर में देखा। अब देखो पढ़ो इसमें है क्या, क्योंकि देखो एक तरीके से ये आगे जाके ना आपको एक पिक्चर कंपोजिशन में काम आएगा। हो सकता है सेकंड में आपके पास ग्रामर बुक तो होती है, अभी भी हो, है ना, बट आगे जाके ये और काम आता है। देखो हियर इज अ पिक्चर, यहाँ एक पिक्चर है। देयर आर सिक्स चिल्ड्रन इन इट, इसमें छः बच्चे हैं। फोर चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम, जो चार बच्चे हैं वो कैरम खेल रहे हैं। टू बॉयज़ आर वॉचिंग द गेम, और जो दो बॉयज़ हैं वो इस गेम को वॉच कर रहे हैं। टू किटन्स आर प्लेइंग विद अ बॉल ऑफ वूल, जो दो किटन हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं वूल की बॉल से। दो डॉग्स आर चेजिंग द बर्ड, चेजिंग मतलब होता है कि कोई को पकड़ना, कोई का पीछा करना। तो जो दो डॉग हैं वो बर्ड्स का पीछा कर रहे हैं। ये हुआ, देखो मैं यही देखा था ना हमने। अब हम ये शुरुआत करते हैं इसकी। तो इसमें क्या है, एक मतलब देखो, एक तो ये फैमिली के बारे में बताया है। अब इस फैमिली में जो पापा है वो क्या कर रहे हैं, हमने देखा कुछ सब्जियां काट रहे हैं। मम्मी जो है वो खाना लेके आ रही है। एक बच्ची क्या कर रही है, थालियां परोस रही है, और एक बच्ची या थालियां धो के ला रही है। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, कि ये एक दूसरी पिक्चर है जो द फैमिली इज़ गेटिंग रेडी फॉर डिनर, ये जो फैमिली है डिनर के लिए रेडी हो रही है। फादर इज़ कटिंग अनियंस फॉर सलाद, जो पापा है वो काट रहे हैं अनियंस को सलाद के लिए। द मदर इज़ ब्रिंगिंग अ डिश, और मम्मा खाना लेके आ रही है। द एल्डर सिस्टर इज़ लेइंग द प्लेट, जो एल्डर सिस्टर है बड़ी बहन है वो क्या कर रही है, प्लेट जमा रही है। और जो यंगर सिस्टर है वो वॉश कर रही है अपने हैंड्स को, यंगर मतलब छोटी बहन होता है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अपने हैंड्स को वॉश कर रही है। तो अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी है और आपको कहा कि आपके इसके बारे में कोई सेंटेंस बना सकते हो। देखो हमको इसमें क्या दिख रहा है, एक जो टीचर है जो टीच कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। एक स्कूल दिख रहा है ना, एक ग्रीन कलर का पेड़ है, और इस स्कूल के अंदर भी एक क्लास है जो लगी हुई है ना। इस तरीके से हमने देखा, हम ये भी बता सकते हैं कि कितने बच्चे हैं इस पिक्चर में। तो देखो यही था इसमें, ठीक है, आपको बस पिक्चर को देख के बताना है कि क्या, जैसे इसमें हमने देखा था बच्चे कैरम खेल रहे हैं तो देख रहे हैं कोई थ्रेड पकड़ रहा है, और इस पिक्चर में देखा कि डिनर के लिए रेडी हो रहे हैं। तो बस यही है, थैंक यू सो मच।